प्रयागराज पुलिस की जो गाड़ी है, एक और जो वज्र वाहन आपको नजर आ रहा है विवेक, वहां पर मौजूद है बरेली में अतीक के भाई अशरफ, जो कि इसी मामले में उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था 2006 का मामला है। अब इस मामले में जो सुनवाई होनी है पेशी, गाड़ी पहुंच गई है। विवेक बताइए अब क्या हो रहा है वहां पर बरेली में। देखिए इस वक्त हम बरेली जेल के ठीक मेन गेट के बाहर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की जो वज्र वैन है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अशरफ को किसी भी वक्त यहाँ से निकाला जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच। अभी अभी ये वैन जो है मेन गेट के बाहर यहाँ पे लगी हुई है और देख सकते हैं कि अंदर प्रयागराज पुलिस का आदेश आया हुआ है अशरफ को लेकर कि अगर इनका जेल स्थानांतरित किया जाता है तो उनके संपूर्ण सुरक्षा दी जाए और उनके साथ उनके अधिवक्ता रहेंगे। आप कहाँ पर हैं? हम इसमें बरेली जेल में। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो आप देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने, जो प्रयागराज पुलिस की गाड़ी है वज्र वाहन आपको जाता हुआ नजर आया बरेली जेल के अंदर, जो अभी दाखिल हुआ है। और विवेक आप अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए अभी हो क्या रहा है और कितनी देर में प्रयागराज पुलिस लेकर निकलेगी बरेली से अशरफ को। देखिए बरेली जेल के ठीक मेन गेट के बाहर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की जो वज्र वैन है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और इसमें काफी तादाद में पुलिस के जवान मौजूद हैं। और बरेली जेल के बाहर की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ भी काफी तादाद में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और किसी भी वक्त अशरफ को जेल से बाहर निकाला जाएगा और इस वज्र वैन में बिठाया जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच इसे प्रयागराज ले जाना है। तकरीबन 450 किलोमीटर का ये दायरा है जिसे इसे पार करना है पूरा। और जिस तरह से बात की जाए तो एक रूट प्लान जो है वो पुलिस ने बनाया है और उसके तहत ही अशरफ को ले जाया जाएगा। पुलिस के जवान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको खड़े हुए नजर आएंगे, जेल प्रशासन के जवान है और अंदर की तरफ जो है यहाँ पर प्रयागराज की पुलिस भी पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक सीनियर अधिकारी मौजूद है और तकरीबन 16 से ज्यादा जो है पुलिस के जवान प्रयागराज से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो साफ है कि अशरफ को 28 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब किसी भी वक्त यहाँ से अशरफ को निकाला जाएगा। आपको बता दें कि उमेश पाल किडनैपिंग मामले में अशरफ दूसरा मुख्य आरोपी है, जो अतीक अहमद पहले नंबर पर है। दोनों भाइयों और उसी को लेने के लिए पहुंची है प्रयागराज पुलिस। बरेली की तस्वीर दिखा रहे, लेकिन कुमार कुंदन जो कि झांसी के रक्षा टोल प्लाजा, कुमार कुछ हलचल बढ़ रही है क्या आपके पीछे? बिल्कुल करुणा, हलचल बढ़ रही है और जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पहुँच चुकी है। ये आप देखिए तस्वीरों में स्थानीय पुलिस जो है वो उसने एक तरह से मोर्चा संभाल लिया है और जो लोकल लोग हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, आम लोगों की बात, उनको हटाने का काम शुरू हो रहा है और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पे भीड़ ना बढ़े। और दूसरा, टोल को पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। जैसे कि सुबह से हम दिखा रहे थे कि हल्की बैरिकेटिंग थी और तमाम तरह की चीज़ें थी, अब उसको जो है हटाया जा रहा है और आम लोगों को देखिए यहाँ से डिस्पोज करने की कोशिश की जा रही है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। निश्चित रूप से मोमेंट में अब मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वक्त है और इस वक्त में पूरी तरीके से किस तरीके से इसको खाली कराया जाए ताकि कि स्मूथ मूवमेंट हो सके। और उस स्मूथ मूवमेंट के लिए जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं वो लोगों को यहां से हटा रहे हैं, लोगों को भीड़ से हटा रहे हैं। इसकी एक वजह और है, जैसा कि TV9 भारतवर्ष ने बताया था कि अतीक अहमद के लोग भी इस भीड़ का फायदा उठाकर शामिल हो सकते हैं, तो ये भी इसकी एक वजह हो सकती है कि पुलिस इनको यहाँ से खदेड़ रही है, पुलिस हटाने की बात कर रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी घटना ना हो। क्योंकि अगर अतीक अहमद का कोई भी गुर्गा या कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्स इस भीड़ का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकता है तो शायद यही वजह है कि पुलिस जो है पूरे नाके को ऐसे खाली में भीड़ पर भी, और ये इस भीड़ पर भी बड़ा खतरा आ सकता है और उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए आप देखिए हलचल अब झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर बढ़ गई, क्योंकि कभी भी अतीक का जो काफिला है अब वो यहाँ से क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। जो लोग इकट्ठा हो रहे थे उन्हें पुलिस हटा रही है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।